दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट शेफ किशन। आज मैं एक जापान के एक और नए पोर्ट पे आया हूं, जिसका नाम है हाथी ची नाका। और ये जापान का एक छोटा आइलैंड है। और अभी मैं वहीं शिप से 15 मिनट की दूरी पे ड्राइव करके यहां पर आया हूं। और आप देख सकते हैं, मैं एक मॉल हूं, शॉपिंग सेंटर के आसपास मैं यहां पर आया हूं। और इस शॉपिंग सेंटर का नाम है जॉयफुल होंडा और पेट वर्ल्ड के नाम से ये मॉल है। और यहाँ पर काफ़ी शॉपिंग की चीज़ें हैं, देखने लायक है। और मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। वेदर बहुत ही अच्छा है, लिटिल सनी है, क्लाउडी है। और आप देख सकते हैं, अभी मैं यहाँ के पार्किंग स्पेस में खड़ा हूँ और मैं आपको देख कैसा है यहाँ पर। ये इसका पार्किंग स्पेस है। और यहाँ से अब हम मॉल की तरफ चलते हैं। यहाँ कुछ फैमिलीज हैं जो किड्स के साथ हैं। और इस तरफ भी बहुत सारा बड़ा एरिया है मॉल का। और काफ़ी लगता है कि ये इस छोटे से टाउन में ये काफ़ी बड़ा मॉल है। तो यहाँ चलते हैं गेट नंबर 3 से अंदर, देखते हैं कि यहाँ के लोग कैसे इस मॉल का एंजॉय करते हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर है। और यहाँ पर शॉपिंग के लिए ऑल द मिक्स चीज़ें हैं, लाइक जैसे अम्ब्रेलास हैं, बैग है, क्लॉथ्स हैं। यहाँ पर स्टडियलाइज के नाम से एक बेबी के लिए क्लॉथ्स हैं। यहाँ जैपनीज क्लॉथ्स के नाम भी हैं, ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो जैपनीज लोगों की ट्रेडिशनल ड्रेस इस तरह की होती है। और आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ आगे क्या क्या मैं इस मॉल में काफ़ी अच्छी चीज़ें मैंने देखने को मिली, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यूनिक है, काफ़ी क्राउडेड है, लोग भी है यहाँ पर देखने के लिए, इन्जॉय कर रहे हैं। ये किड्स का पूरा जोन है, इसमें सारे टॉयज़ वगैरह हैं। यहाँ बच्चे आ रहे हैं, अपनी चीज़ें खरीद रहे हैं, देख रहे हैं, कोई गेम भी चल रहे हैं। यहाँ अगेन क्लॉथ्स हैं। अब इस तरफ देखते हैं क्या है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है, लाइटिंग चारों तरफ, इंजॉय। और काफ़ी बड़ा मॉल है, देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें, यू कैन सेल इजीली। आगे भी है, देखते हैं यहाँ पर ऊपर क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर ऊपर भी जाने के लिए चीज़ें हैं और आपको दिखाता हूँ। और मैं एक बार ऊपर से आपको बैक साइड का व्यू दिखा देता हूँ। ये इस तरह का मॉल है, यहाँ से दिख रहा है। बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए यहाँ पर, शॉपिंग के लिए अच्छा है। अब हम ऊपर चल रहे हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ भी एक शू प्लाजा के नाम से शॉप है। मेरे चारों तरफ ही शॉप्स ही शॉप्स हैं। बिग मॉल, रियली बिग मॉल। अभी तो बहुत आगे था, बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने के लिए। शूज, सैंडल गर्ल्स के लिए, आप डिज़ाइन देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये अगेन किड्स के लिए टॉयज़ की शॉप्स हैं। पोलिस प्लस, ये एक होम इंटीरियर डिज़ाइनर के लिए है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर वन स्टेयर एस के नाम से है शॉप। यहाँ पूरा फूड जोन है, यहाँ पर फ्रेशनेस बर्गर के नाम से स्टोर है।
आपको यहाँ ओतोयो के यहाँ फूड है, एक रेस्टोरेंट है। यहाँ के खाने देखिए, सब जापानी स्टाइल में फूड है। इन्होंने क्या किया कि प्लेट में खाना सेट करके एक डमी की तरह इन्होंने बनाया हुआ है, मतलब फ्रेश नहीं है, वेस्ट ओरिजिनल नहीं है, नकली है। बस कैसे ये सर्व करते हैं वैसे वैसे चीज़ें इन्होंने यहाँ दिखाई, ताकि आप जो भी यहाँ खाना है तो उनको पता चले कि यहाँ ऐसा खाना दिखता है और ऐसा होता है। टेस्ट तो खाने के बाद होता है, और ये अच्छा आइडियाज़ है। ऐसा अगर रेस्टोरेंट में करते हैं तो जो गेस्ट को खाने के बारे में नहीं पता हो, वो लोग यहाँ के देख सकते हैं कौन सी चीज़ कैसी है। बिजी चल रहे हैं लोग, खाने का वेट कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह पूरा खाने से रिलेटेड चीज़ें। यहाँ बड़े बड़े बोर्ड हैं, इन पे खाने की चीज़ें हैं। मोस्टली मैंने काफ़ी पिछली वीडियोस में बताया है, यहाँ के लोग सी फूड ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सुशी, आपने पता हो सुशी जो खाना आता है वो जापान से बिलोंग करता है और वेरी पॉपुलर है सुशी पूरे वर्ल्ड में, और रियल टेस्टी भी होता है सुशी। काफ़ी तरीके से बनती है, ये वेज भी होती है, नॉन वेज भी होती है, फ्रेश मीट, उसमें सालमन, अगर आपने फ़िश का नाम सुना हो तो सालमन वगैरह। देखिए यहाँ पर इन्होंने आइसक्रीम के फ्लेवर के साथ उनके डेमो बना के रखे हुए हैं। यहाँ क्राउडेड खाने के लिए लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है। इन्जॉय, लोग क्राउड इन्जॉय कर रहे हैं और इस प्लेस का इन्जॉय कर रहे हैं, क्या क्या जो भी यहाँ पर खाना देख खा रहे हैं। पूरा एक्चुअली एक इनका अच्छा है कि अपनी लैंग्वेज में ही रुके हुए हैं इन्होंने, मोस्टली जैपनीज में ही रखी है। मोस्टली अपने इंडिया में देखेंगे तो आप कहीं कहीं आपको मिलेगा इंग्लिश में भी मिलेगा, यहाँ इंग्लिश थोड़ा कम है, जैपनीज ज़्यादा है। मैं नेक्स्ट टाइम इनको बोलूँगा भाई हिंदी में भी रखने का, हम भी तो आ रहे हैं, हमें भी तो देखना है। ये इनके आइसक्रीम के फ्लेवर हैं, देख सकते हैं। और चलते हैं बैक वापस पीछे की तरफ, देखते हैं हाँ इस तरफ क्या क्या है। ये देखें यहाँ बैग्स शॉपिंग के लिए, और आप देख सकते हैं यहाँ लोग डिसेंट तरीके से ही चीज़ें खरीद रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और एरिया लाइक अब तो काफ़ी हमारे मॉल्स भी काफ़ी इम्प्रूव हैं, बहुत हाइजीनिक हैं, बहुत मेंटेन हैं। ये रहा तो यार इंडिया तो वैसे ही आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, और बढ़ता रहेगा। बट आप जानते हैं जापानीज टेक्नोलॉजी में कितने आगे हैं, इनकी टेक्नोलॉजी वैसे ही बहुत अच्छी है। बट हम भी धीरे धीरे आगे इंडियन बढ़ रहे हैं, तो इंडियन भी अपनी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते रहेंगे। अब इधर से इस तरफ तो कुछ भी नहीं लग रहा है, आगे और कुछ दिख जाता है तो देखते हैं। इस मॉल में इतना ही है, इसके बराबर में एक मॉल और है, अपन वहाँ भी चलते हैं, वहाँ भी देखते हैं, और अपन नीचे जाके दूसरे मॉल की तरफ चलते हैं। और दोस्तों इसी बीच मेरा एक चीज़ हमेशा याद रखिए, आप मेरे पेज को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप अपने दोस्त फ्रेंड्स को भी शेयर करके बताएं कि मैं यहाँ क्या क्या दिखा रहा हूँ। जितने लोग देखेंगे उनको भी नई नई चीज़ देखने का मौका मिलेगा, और यहाँ के लोग कैसे इंजॉय करते हैं, कैसे लाइफ जीते हैं, एक अलग ही इंजॉय है यहाँ की लाइफ का। और प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, आपके लाइक से आपके शेयर से मुझे पता चलेगा कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। और जितना कोई भी सजेशन हो, कुछ भी लाइक आवाज़ कम आ रही है, कुछ भी कोई भी हो तो आप मुझे बताएं, ताकि मैं उसको इम्प्रूव करूँ। देखो मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही बना रहा हूँ ये चीज़ें, मेरे लिए भी ज़्यादा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। मैं वैसे तो यार बहुत बाहर घूमता था, लेकिन कभी मैंने इस पर फोकस नहीं किया कि वीडियो बनाऊँ, तो मुझे लगा कि यार मैं देख रहा हूँ तो एटलीस्ट जो लोग नहीं जा पाते उनको भी दिखाऊँ, तो इसलिए मैं स्टार्ट किया है। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों को देखें और चलते हैं दूसरे मॉल की तरफ। यहाँ से हमारा एग्ज़िट है, तो अपन यहाँ से एग्ज़िट होते दूसरे साइड देखते हैं मॉल की दूसरी साइड क्या क्या है।
यहाँ का ट्रैफिक सिस्टम देखिए, मॉल के बीच में पार्किंग से लोग जा रहे हैं तो यहाँ लोग किस तरह मैनेज कर रहे हैं। अभी हमें उसके उस तरफ जाना है, तो इसको चलते हैं इस तरफ मॉल के, देखते हैं यहाँ पर क्या है। ओह, दिस इज टोटली डिफरेंट, दिस इज ग्रोसरी मार्केट। लाइक यहाँ पर आपको ऑल द वेजिटेबल्स, फ्रूट्स मिल जाएंगे। पता नहीं आप लोगों को पता नहीं बताया, लेकिन इस ये फ्रूट अपने इंडिया में नॉर्मली नहीं मिलेगा। इसका नाम है हनी ड्यू, हिंदी में क्या कहते हैं, मेरे हिसाब से खरबूजा है, या तो ये वही है, उसका कुछ उसी फ्रूट से रिलेटेड कुछ है यहाँ पर। और यहाँ ऑरेंज बड़े अच्छे लग रहे हैं, एप्पल्स हैं, स्ट्रॉबेरीज। देखिए यहाँ फ्रूट की मार्केट, ये देखिए कितनी बड़ी मार्केट, आप अच्छे से देख सकते हैं। ये लोग यहाँ ऐसे हाइजीनिक देते हैं, अब स्टोर पैकिंग करके दे। अब अपने कोई ऐसा कर रहे तो बोले भाई पैसे बना रहा है, ज़्यादा कर कमा रहा है, बोले वैसे खुले देते हैं तो उसके पास से ले आएंगे, दूसरे पास से ले आएंगे, तो वैसा है। बट यहाँ पर मैंने जहाँ भी देखा है यहाँ लोग पैकिंग करके खाने को देते हैं। ये ब्रेड्स है, वैराइटीज़ है, देखिए कितनी प्यारी ब्रेड बनाई है। उसका नाम जैपनीज में ही है, मेरे भाई इंग्लिश में लिख लो। ये भी एक टाइप ऑफ ब्रेड है, देखें ये लोग फ्रेश बना रहे हैं पीछे और आगे सेल कर रहे हैं। लाइक इज ए फ्रेश वे, लाइक यहाँ पर ब्रेड आती है पैकेट में, आती है स्लाइस में, बड़े स्लाइस है, यहाँ छोटे पैकिंग भी कर गए तो किसी को कम खाना हो। आपको एक मैं वेजिटेबल का दिखाता हूँ, इसका नाम है चाइनीज कैबेज। बहुत सारी वेजिटेबल मैं आपको देखूँगा यहाँ पर, अगर कुछ अपने रिलेटिव मिलेगी जो आपको समझ में आए। यहाँ देखें, ये आई थिंक ये भी ब्रेड ही बना रहे हैं, सर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो सब चीज़ें ऐसी है, ये लोग मार्केट में ऐसी चीज़ें ही सेल कर रहे हैं यहाँ पर। देखते हैं इसके आउटसाइड में यहाँ पर क्या है, ये इसका एग्जिट वे है। चलो देखते हैं आउटसाइड कैसा है। रियली बहुत बड़ा मॉल है, मुझे तो इसके आगे और भी कुछ दिख रहा है कि वहाँ भी कुछ ना कुछ होगा। काफ़ी बिग एरिया, ये हम मॉल से थोड़े बाहर आए हैं और स्टिल ये पूरा बाकी है, कितना चीज़ें हैं यहाँ पर। एक अच्छी मार्केट बनी है आई थिंक जॉयफुल होंडा के नाम से। अब आप सुन पा रहे हैं लोग कैसे बोल रहे हैं, ये वीडियो लिटिल लंबी भी थोड़ी बड़ी होती जा रही है, क्या करूँ चीज़ें इतनी है, मैं बीच में ब्रेक नहीं दे सकता, मैं जितना आपको दिखा सकता हूँ। चलो अंदर जाके दोबारा देखते हैं यहाँ क्या है। ओह, यहाँ पर इन्होंने बाइसाइकल्स यूज़ है, मैं ये अब चीज़ आ गई बड़ी डिफरेंट वे में। अब इनको जो बड़े जो फूड से रिलेटिव हो गया, क्लॉथिंग से रिलेटिव हो गया, शॉपिंग के लिए वो चीज़ें हो गई यहाँ पर। इनके डिज़ाइन देखे साइकिल्स के, हेलमेट्स यहाँ पर बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए। बैग भी है, और ये देखिए क्या प्यारे प्यारे ग्लास के जार्स है, ये डेकोरेशन के फ्लावर्स के लिए। टोटली सुपर बिग मार्केट है, और इसमें ऊपर भी मार्केट है। यहाँ बच्चों के लिए लाइक स्विमिंग पूल, छोटे छोटे किड्स के लिए। कब देखते हैं, पूरी एक बड़ी मार्केट है, चीज़ें तो बहुत देखने के लिए हैं यहाँ पर, बहुत सारी। अपन हम अलग अलग जगह पे सामान खरीदते हैं, इन लोगों ने वो उन चीज़ों को एक ही जगह एक बड़े सारे एरिए में, आई थिंक छोटा टाउन है यहाँ का, एक छोटा आइसलैंड है ये,
तो उसकी वजह से इन्होंने यहाँ पर कर दिया। देखिए अब लकड़ी भी ये सेल करते हैं इसी के अंदर। ओह भाई डोगी भी है, ये भी सेल कर रही है, इसको बिठा के लेके आए हैं। और यहाँ से और देखते हैं क्या क्या चीज़ें, यहाँ हर तरह की चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी। टेंट यहाँ पर है, ये कुछ बैग्स है, और यहाँ से हम वापस इस तरफ आ चुके हैं। ये पूरा फूड कोर्ट है और ये पूरा यहाँ पर शॉपिंग है। फूड कोर्ट की तरफ निकलते हैं। फूड कोर्ट में ऑब्वियसली फूडी होगा, बट यू कैन सी ये लोग जैपनीज़ है, इनके फूड के स्टाइल चॉपस्टिक से खाना, बच्चे भी चॉपस्टिक वगैरह खा रहे हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू ईट लाइक विद चॉपस्टिक, थोड़ा डिफरेंट ही रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। आपने देखा होगा, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग कैसे इंजॉय कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। भाई मान ली आप भी होते तो आप भी शॉपिंग करते, मुझे भी थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेंगे यहाँ से, फिर देखेंगे अच्छे से चीज़ें। और अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और दूसरी जगह दिखाता हूँ, और मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको अलास्का भी दिखाऊंगा, कनाडा भी दिखाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें घुमाऊंगा, आप मेरे साथ हर जगह का इंजॉय करेंगे। और अभी के लिए इतना ही, और हाँ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।